नमस्कार, स्वागत है आपका अनुदेशक न्यूज़ में। साथियों, यहाँ पर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ शिक्षा विभाग से निकल कर आ रही है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए। दोस्तों, क्या है वो अब तक की सबसे बड़ी खबर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से संबंधित, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक विद सबूत के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक अंत तक इस वीडियो को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। प्रमुख खबर, शिक्षा मंत्री जी ने ली मीटिंग, शिक्षा विभाग की बनाई भविष्य की कार्य योजना। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में क्या शामिल होगा कल्याण, ये खबर आ रही है शिक्षा विभाग से। और मैं आपको अब ये खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हाल ही में एक शिक्षा मंत्री जी ने मीटिंग ली थी जिसमें प्रमुख सचिव एवं अन्य बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। उन्होंने शिक्षा विभाग की ज़रूरतों को लेकर एक बड़ी मीटिंग आहूत की थी। सबसे बड़ा मुद्दा था छात्र शिक्षक अनुपात। आपको बताना चाहेंगे, प्रदेश में 1.35 लाख विद्यालय हैं जिसमें 1.80 करोड़ बच्चे हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए 6.5 लाख कुल शिक्षक हैं। ये साथियों एक बड़ी संख्या कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी खुशखबरी ये है कि छात्र शिक्षक अनुपात को सही माना है और इस समय 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, वो पूर्ण पाया गया है। लेकिन यहाँ पर ये बात बताना चाहेंगे, ये पूर्ण तब है जब अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को जोड़ा गया है। साथियों, जी हाँ साथियों, छात्र शिक्षा अनुपात में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को जोड़कर ही 30 छात्रों पर एक शिक्षक पाया गया है और इसकी गणना अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को मिलाकर ही की गई है छात्र शिक्षक अनुपात की। तो साथियों, ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं, सकारात्मक समाचार है समस्त अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए। यहाँ पर मैं हृदय की गहराइयों से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की तरफ से हमारे प्रिय शिक्षा मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरीके से हम सभी शिक्षक और अनुदेशक शिक्षा मित्रों के हित में, बच्चों के हित में और शिक्षा के हित में ऐसे ही शुभ कार्य करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। इसी तरीके की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए हमारे चैनल से अनुदेशक न्यूज़। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।